चुनाव रद्द करने की क्यों उठी मांग? कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला? कांग्रेस मैनिफेस्टो पर उठे कड़े सवाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। दोनों फेज को लेकर हर पार्टी अपना अपना आकलन कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि कौन कहां से बाजी मारेगा या फिर किसको कहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसी बीच कांग्रेस मैनिफेस्टो अब बेहद चर्चा में है। चर्चा इतनी ही कि इसको लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है। बीजेपी कांग्रेस पर उसके मैनिफेस्टो को लेकर कई आरोप लगा रही है। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में जो याचिका डाली जा चुकी है, उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने न केवल अपना फैसला सुना दिया है बल्कि अपनी गंभीर टिप्पणी भी दी है। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस MI अरुण ने कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ दायर उस याचिका पर अपनी अहम टिप्पणी की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की तरफ से किए गए वायदे भ्रष्ट है, इसलिए चुनाव को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ पड़ी याचिका को खारिज कर दिया। चलिए जानते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस याचिका पर क्या कुछ कहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के आधार पर बताई गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 5 गारंटी को सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के रूप में माना जाता चाहिए। वे आर्थिक रूप से सही है या नहीं, ये पूरी तरह से एक अलग पहलू है। ये दूसरे दलों को दिखाना है कि किस प्रकार उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य के खजाने के दिवालियापन के समान है। ये संभव है कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उन्हें गलत नीतियां कहा जा सकता है, लेकिन भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट में ये याचिका कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने 5 गारंटी वाले मैनिफेस्टो में जारी किया था। इसी मैनिफेस्टो के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो भ्रष्ट आचरण की तरह है, इसलिए यहां से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि चाहे पक्ष कोई भी हो, 5 गारंटी वाली उस नीति के बारे में किया गया ऐलान जिसको वो लाने का इरादा रखते हैं, उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। इतना कहते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी देने का वादा जनता से किया था, जिसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त, BPL परिवार के सदस्यों को 10 किलोग्राम राशन की आपूर्ति, बेरोजगार शिक्षित युवाओं को वजीफा और महिलाओं के लिए राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए का भुगतान शामिल थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।